तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं दिखाएंगे आप लोगों को होंडा शाइन एसपी X125। इसका मोबाइल चेंज कैसे करते हैं, तो इधर नीचे 12 एमएम का नट बोल्ट है, तो इसको हम लोग ऐसा लूज कर देंगे। देख सकते हो इधर लूज हो गया। ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं डेन नट। और इंजन ऑयल को आप लोग देख लो, थोड़ा सा एकदम पूरा खराब हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को और एक चीज़ दिखाना है, इधर मोबिल चेंज कैसे करता है। ये देख सकते हो, उधर डिन नट तो खोल लिया हमने और इधर गेज नट है, तो इसको पहले ओपन करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हो, इसको खोल लिया हमने। अभी इसके अंदर एयर गन ऐसा है होता है, ये देख सकते हो, एयर गन से इसके अंदर थोड़ा एयर मारेंगे, हवा मारेंगे। देख सकते हो, नीचे भी मोबिल गिर रहा है, इंजन ऑयल गिर रहा है, देख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने इंजन से जितना भी इंजन ऑयल था सब निकल लिया उधर एयर गन से हवा मारने के बाद। फिर अभी इधर डेन नट को लगा देंगे, इधर इस साइड लगता है डेन नट, ये देख सकते हो, इस साइड लगता है। तो इसको लगाने के बाद हम लोग इंजन ऑयल इंजन में डालेंगे। देख सकते हो, इसको टाइट कर लिया। तो अभी ये इंजन ऑयल डालेंगे अभी गाड़ी में। मोबिल सुपर मोटर 200W 50-40 का केज है और 1 लीटर लगता है इस गाड़ी में, तो मैं अभी इस गाड़ी में डालेंगे अभी। तो दोस्तों, और एक जानकारी आप लोगों को दे देंगे कि जब भी आप लोग इंजन ऑयल चेंज करना है, तब आप लोग अगर ऐसा मोबिल फिल्टर को चेंज कर लेंगे तो गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो इंजन ऑयल का वो अच्छा चलेगा, क्योंकि मोबिल फिल्टर के द्वारा वो मोबिल थोड़ा क्लीन होता है। तो इसके लिए जब भी आप लोग इंजन ऑयल चेंज करेंगे, तब मोबिल ऐसा इंजन फिल्टर बोलो तो मोबिल फिल्टर इसको भी चेंज करना है। तो ये शाइन एसपी है, तो मोबिल फिल्टर इधर रहता है, तो इसको दो नट को इधर ओपन करेंगे और हम लोग मोबिल फिल्टर इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हो, पूरा एकदम खराब हो गया, ठीक है। अब इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। तो अभी इस मोबिल फिल्टर को इसमें इंस्टॉल करेंगे, तो इसको ऐसा लगाता है सबसे पहले, देख सकते हो ये बैठ गया। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया, तो अब इसमें फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे स्प्रिंग रहता है, इधर स्प्रिंग को लगा देंगे, उसके बाद इसको ऐसा बिठा देंगे इसके ऊपर। तो हमने मोबिल फिल्टर इंस्टॉल कर लिया, तो अभी इंजन ऑयल को इसको इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, हमने इधर इंजन ऑयल और मोबिल फिल्टर दोनों ही एकदम कंप्लीट फिटिंग कर लिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।